नमस्कार दोस्तों, आपको न्यू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि इन्वर्टर को सही सलामत रखने का तरीका और 7 साल तक चलेगा हम मेरा बात को फॉलो करेंगे। तो देखिए हरा दाग है, रेड दाग है, रेड कलर का दाग दिख रहा है, रेड हरा और रेड, रेड से एकदम नीचे नहीं आना चाहिए थोड़ा भी। ये डंडी है ना, ये नीचे नहीं आना चाहिए। आ गया तो सोचिए आपका पानी मतलब उसमें ख़त्म हो गया, फिर बैटरी का बैकअप कम देगा, आपका जितना वारंटी है उतना से 1-2 महीना ज़्यादा चलेगा। इसलिए हमेशा हरा से रेड के बीच के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। और जब इन्वर्टर ख़त्म हो जाएगा तब देखिए क्या करेंगे, तब कुछ आ जाएगा, कुछ शॉर्ट होगा इन्वर्टर के बैटरी में, तब हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्ट लाइन से चलाएंगे। देखिए तरीका बताने हम जा रहे हैं। देखिए ये वाला प्लग है ना, ये वाला प्लग खोल के हम इस बोर्ड में लगा देंगे, जो आपका इन्वर्टर से कनेक्शन है इस बोर्ड में, ये वाला खोल के रख देंगे और वो वाला इसमें घुसा देंगे प्लग टू और स्विच दे के रख देंगे, तो आपका इन्वर्टर नहीं चलेगा और डायरेक्ट लाइन फॉलो करने स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।